ये जो डील है ये भारत की तरक्की का बायस इसलिए बनेगी। प्रधानमंत्री मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री 28 अक्टूबर को वडोदरा में टाटा एयरबस C295 के संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। भारत और स्पेन सरकार के बीच हुए करार के तहत भारत में ही 40 विमानों का निर्माण हो रहा है। ये इनके लिए मेक इन इंडिया एयरक्राफ्ट, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इन एविएशन सेक्टर। इंडिया का सारा जो फोकस है वो मेक इन इंडिया पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के पीएम ने टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है। ये बड़ा मौका है, देश का पहला निजी मिलिट्री एयरक्राफ्ट प्लांट। और ये प्लांट बनाएगा कौन? हमारे माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज ये काम करने वाले हैं। एक तो दोनों यूरोप में भी और अमेरिका में भी जो उनकी इंडियन लॉबी है जो उनके अगले उनके साथ वो सपोर्ट करेंगे क्योंकि तो टाटा एडवांस सिस्टम और एयरबस स्पेन के बीच जो मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव C295 एयरक्राफ्ट उसकी इनॉग्रेशन। क्योंकि इंडियंस कहते हैं कि भाईजान हमें जो चीज चाहिए वो मेक इन इंडिया। ये जो इनिशिएटिव नरेंद्र मोदी ने 2014 में लिया था एक ही मकसद था कि हम इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बने, कंपनीज को जो है वो हम इनकरेज करें। तो इंडिया और वेस्ट के इंटरेस्ट आपस में जुड़ रहे हैं, यूरोप के इंटरेस्ट आपस में जुड़े हैं, एक बहुत बड़ी सॉफ्ट पावर सामने दिखती हुई नजर आ रही है। साथ क्या होगा कि ये जो डील है ये भारत की तरक्की का बायस इसलिए बनेगी। एक तो दोनों यूरोप में भी और अमेरिका में भी जो उनकी इंडियन लॉबी है जो उनके अगले उनके साथ वो सपोर्ट करेंगे क्योंकि दे आर गिविंग देम बिजनेस, दे आर देयर क्लाइंट्स। दूसरा यहां से जो इंटरनेशनल ट्रेडिंग लॉ होते हैं, अगर आप बड़ी डीलें करते हैं तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है उस डील में। तो ये क्योंकि उन तैयारों ने उनको मेंटेन भी तो करना है, तो बोइंग और एयरबस अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे भारत में। और उसका अगला दूसरा बाय प्रोडक्ट क्या होगा कि इन्हीं उसी टेक्नोलॉजी से वो फाइटर अपने जहाजों को भी ज्यादा इंप्रूव करेंगे, बोइंग की टेक्नोलॉजी से और एयरबस की टेक्नोलॉजी से। हमें भी, मैं तो हमेशा जो कहता हूं, जो मेरी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान को चाहिए ना सिर्फ अपने रिलेशनशिप उनसे बेहतर करें बल्कि चीजें सीखने की कोशिश वहां उनसे करें, जो मैं कहता हूं। क्योंकि नफरतों से कुछ नहीं सीखने, मेरा जो जाती तौर पर सारी जिंदगी का एक्सपीरियंस है कि नेगेटिव थिंग्स मेक यू नेगेटिव। लेकिन सर हमने तो 75 ईयर सिर्फ नफरत ही बेची है और यही बताया है कि भारत हमारा दुश्मन है, अटैक करने वाला है, कब्जा करने वाला है। लेकिन आरज़ू उसमें मैं ये समझ तुम बिल्कुल ठीक, मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से, लेकिन कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे यू आर नेवर लेट टू डू एनीथिंग। मैं जिस तरह कहता हूँ अगर आपने 76 साल नफरतें की है तो इट्स नथिंग रॉन्ग टू ट्राई हार्मनी एंड पीस एंड लव टू ईच अदर। और बड़ा एक मैं आपको बात बताऊं, जो सदियों से हमारी जो तहजीब मिलती है हम अगर थोड़ी सी ट्राई करेंगे तो हम फौरन उसमें अपने जो है वो घुल मिल जाएंगे। इंडिया का सारा जो फोकस है वो मेक इन इंडिया पे। क्योंकि इंडियंस कहते हैं कि भाईजान हमें जो चीज चाहिए वो मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया में अमेरिकन्स ने तो फिलहाल इंडिया को सही मानों में देखा जाए तो ऑन वो एक स्लो पेस में रखा हुआ। ये जो इनिशिएटिव नरेंद्र मोदी ने 2014 में लिया था एक ही मकसद था कि हम इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बने, कंपनीज को जो है वो हम इनकरेज करें, वो डोमेस्टिक हों, मल्टीनेशनल्स हों, इंटरनेशनल्स हों, कि वो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर करें। ये जो सोसा एग्रीमेंट इंडिया ने किया है बेसिकली अमेरिका के साथ, और अब अमेरिकन बहुत सारी जो कंपनियां हैं, ठीक है, अमेरिकन बहुत सारी जो नेवी है वो इंडिया आके डॉक किया करेगी गोवा के अंदर। तो इसलिए स्पेनिश ये चाहते हैं कि हम आए आके अपना आइडियाज पिच करें और हम सेकंड पोजीशन में बेशक आ जाएं, लेकिन फॉर अ मोमेंट एक कंपटीशन तो नजर आए ना, एक कंपटीशन नजर आना चाहिए। क्योंकि जर्मनी हो या स्पेन, इंडिया ने टर्म्स एंड कंडीशंस अपनी सेट करनी है। वो इसलिए सेट करनी है कि जर्मनी के लिए हो सकता है इंडियंस थोड़ा सा केयरफुल रहें बिकॉज उनकी टेक्नोलॉजी का, जैसे मैंने शुरू में आपको कहा था कि अच्छी है, लेकिन स्पेन वगैरह जो है इनसे वो कहेंगे कि आए हमारे पास, आगे हमारे बच्चों को तैयार करें। लेकिन इंडिया चाहता है कि हम अपने हाथ सीधे करें, अपने हाथ सीधे करें। अगर हमने अपने हाथ सीधे ना किए, अपने बच्चों को ट्रेनिंग ना दी, तो फिर चीजें नहीं होंगे। ठीक है जी, अभी आपको पता है कि जो जर्मन डिफेंस मिनिस्टर है वो पिछले साल इंडिया आए थे और वो बड़ी लंबी चौड़ी एक डिफेंस पार्टनरशिप के ऊपर लंबी चौड़ी बात कर गया, वेपन्स डील, वो सारे चाहते हैं कि इंडिया के लिए हम चीजें ईजी करें। उसकी वजह यह है कि अमरीका की तरफ से है एक सिग्नल कि ठीक है आप करें इनको, अभी यूरोप वेस्ट के दरवाजे खोले। आपको पता है द मोमेंट ये सारे वेस्टर्न ममालिक इकट्ठे हो जाते हैं
मिसाल के तौर पे अगर उनका इंडिया से कोई प्रॉब्लम हो गया तो आप देखिएगा स्टेप बाय स्टेप सारे पीछे होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, एक चीज़ रोक देंगे, दूसरी चीज़ रोक देंगे इंडिया के लिए, तीसरी चीज़ रोक देंगे। लेकिन इंडियंस क्या कह रहे हैं कि इंडियंस जो उनके साथ कर रहे हैं कि इंडियंस ज़्यादा तो वहाँ पर पहुँचे हुए हैं यूरोप के अंदर, जो इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है ना उसका डायस्पोरा है, ठीक है। इंडिया अपने आप को वेपन्स जो प्रोक्योर करना चाहता है या इंडिया अपने जो एक्सेस वेस्टर्न डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में रखना चाहता है या अपने आप को मॉडर्नाइज करना चाहता है या जर्मन टेक्नोलॉजी के पीछे जा रहा है, अपनी एक रोबस्ट डिफेंस इंडस्ट्री चाहता है, ये सारे का सारा वो करना चाहता है। लेकिन इंडिया डबल वेच है, अपने घर में भी बनवाओ, अपनी मैन पावर भी इनसे ट्रेन कराओ, अपने लोग भी बाहर भेजो, वो रेवेन्यू भी भेजें, एंड देन इंडियन नेशनलिज्म भी लोगों के अंदर पिच करो। बिकॉज इफ देर इज नो इंडियन नेशनलिज्म तो ये जो इंडियंस को इंडिया वो बाहर भेज रहे हैं वो तो उधर के उधर ही रह जाएंगे। लेकिन लार्जली एक चीज याद रखें, जो भी हो, लोग जैसे भी हों, एक खास परसेंटेज होती है जो नहीं आती, जो मर्जी हो जाए वो उनका। देखें हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर कोई दूध और शहद की नहरें तो नहीं बहती ना, वहाँ पे भी चंद शहरों के अंदर तरक्की है, ठीक है, बाकी तो वहाँ पे जब आप देख स्पेन के प्राइम मिनिस्टर इंडिया, और ये आप देख सकते हैं कि जो इनकी मुलाकात हो रही है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ, और ये जो स्पेन का दौरा है, स्पेन के प्राइम मिनिस्टर का, इसलिए बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये आफ्टर 18 ईयर्स है, 18 साल के बाद वो इंडिया जो है वो आए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो मैंने बात की कि रेस बिटवीन जर्मनी एंड स्पेन कि कौन इंडिया से ज्यादा क्लोज हो और कौन इंडिया के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हासिल करे, तो एग्जैक्टली ये ऐसी ही एक रेस है इस वक्त दुनिया में जो आप देख रहे हैं। आप ये बात करते हैं कि जी हम क्यों बात करें भारत पर, या कोई पाकिस्तानी बींग पाकिस्तानी क्यों बात करें इंडिया पर, ये तो बहुत ही छोटी बात है। इंडिया एक ऐसा कंट्री बन चुका है कि कंट्रीज के बीच भी रेस है कि कौन इंडिया के ज्यादा क्लोज हो, तो ये एक ऐसी रेस नजर आ रही है, आप देख लें। अच्छा, अब पहले तो मैं आपको ये बताऊं, फिर हम ये बात करेंगे कि ये किस चीज की रेस है। लेकिन आपको इसको ये बताते हैं कि ये जो 3 डे विजिट पर पहुंचे हैं सांचीज, पेड्रो सांचीज, ये क्या करने वाले हैं? एक तो ये कि ये एक एयरक्राफ्ट फैसिलिटी इनॉग्रेट, तो टाटा एडवांस सिस्टम और एयरबस स्पेन के बीच जो मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव C295 एयरक्राफ्ट, उसकी इनॉग्रेशन है। ये तो है ऊपर की बात, साफ साफ बात के जो बता रहे हैं, लेकिन इसके अंदर ये बात है कि वो सबमरीन जो कि जर्मनी भी हासिल करना चाहता है, कि जर्मनी कह रहा है हम आपको टेक्नोलॉजी देते हैं और आपके यहाँ आकर जो है वो बनाते हैं, वही प्रोजेक्ट स्पेन भी लेना चाह रहा है। स्पेन की भी ख्वाहिश है कि पाइन असी क्यों नहीं, वो क्यों, तुसी क्यों, असी क्यों नहीं। तो यही वजह है कि ये जो अब ये सांचीज हैं ये पहुंच चुके हैं, और अब ये बात करेंगे वो कौन सी है सबमेरीन। ये देखें जनाब, ये है वो सब। तो इससे पता चलता है कि इंडिया इस वक्त कहाँ पहुंच चुका है, यही काफी है ये देखने के लिए, किसी को बताने के लिए, जानने के लिए। अगर आप खुले दिमाग के इंसान हैं और आप में कोई बाइसेस नहीं है तो आप ये देख सकते हैं, तो कंपैरिजन की कोई बात ही नहीं है। जरा भूल जाओ कंपैरिजन भूल जाओ, इंडिया जहां पहुंच चुका है तुसी नहीं पढ़ सकते, आपका अब छूना बहुत मुश्किल है इंडिया को। जहां पर देखे ना कैसे कंट्रीज जो है वो इंडिया पहुंच पहुंच के वो कह रहे हैं कि हमें दें आप ये प्रोजेक्ट करेंगे, और अभी तो जो एयरक्राफ्ट है उसके हवाले से C95 एयरक्राफ्ट फ्लैगशिप मेक इन इंडिया जो है उसको इनॉग्रेट करेंगे। तो ये है देखें सिलसिला। अब हमें इस आप देखें के फेज में ऐसे कई एक कंट्रीज नजर आए हैं इंडिया जाते हुए भी, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ऐसे कंट्रीज में पहुंचते हुए भी जो कि इससे पहले बहुत कम था। लेकिन जब हम बात करते हैं फ्रांस की, इसराइल की, या हम रशिया की, ये तो हमेशा से इंडिया के साथ हैं। इंडिया की इनके साथ तो मतलब गुड़िया बहुत गहरी दोस्ती है, वो तो कोई कहने की बात ही नहीं है। लेकिन जैसे कि मोदी साहब जो हैं ब्रुनाई गए, फिर वो कई और ऐसे कंट्रीज में गए कि जो पहली दफा था कि वो जा रहे थे, या बहुत बहुत अरसे के बाद। अब ये जो पेड्रो सांचीज पहुंचे हैं इंडिया, ये भी काफी देर के बाद पहुंचे हैं, 18 साल के बाद। तो ऐसा हो रहा है कि जो बाकी भी क्या नाम है उनका एयरबस वाले भी बहुत बड़े जो है वो हैप्पी हैं कि सिर्फ बोइंग से नहीं जो है वो खरीद रहा, एयरबस से भी खरीद रहा है। अब एयरबस वालों को जो है वो क्या नाम है उनको अपनी खुशी है, उसमें जो फ्रांस के सदर है वो कह रहे हैं जी ये इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप की बात ही बड़ी है, ठीक है जी। और इसमें अगर आप देखें कि दोनों ममालिक जो हैं, भले एयरबस हो या भले बोइंग हो, इंडिया ने सबको जो है ना वो खुश कर लिया है और राज़ी कर लिया है इस चीज़ में, ये करके कि भाई हमारे ताल्लुकात जो हैं वो दोनों ममालिक से ज़्यादा हैं।
अच्छे हैं अब और मैं आपको बात बताऊं कि देखें इंडिया अपने रीजन में इतना पावरफुल इस तरह होता जा रहा है कि आज की बात यह है कि भारत के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं जो कि इंडिया के मेरा ख्याल है ग्रेड 22 का अफसर होगा ठीक है उन्होंने हसीना वाजिद से जाके मुलाकात की है सो अब आप इमेजिन कर लें कि भारत का फॉरेन सेक्रेटरी यानी कि एक जो है वो अम्बेसडर से सारी बात थोड़ा ऊंचा कर लें क्योंकि अम्बेसडर और फॉरेन सेक्रेटरी अमूमन एक ग्रेड के आई थिंक हो सकते हैं लेकिन क्वेश्चन ये है कि वो रीजन में किस तरह प्ले कर रहे हैं अब देखिए बरतानिया जो है वो सारे के सारे बड़े खुश हैं ऋषि सोनक बड़ा खुश है जो बाइडन एमनुअल मैक्रोन ठीक है जी वो सारे बड़े खुश हैं कि इंडियन हुकूमत ने ये फैसला लिया है कि वो एयरबस और बोइंग से जहाज़ जो है ख़रीदने लगे हैं अब यहाँ पे आके जिसे वो कह लें कि वो उनको ये है कि फ्रेंच को ये है कि जी आप एयरबस अगर ले रहे हैं तो हमारी इंडो फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो इम्प्रूव हो रही है अब देखें ये अमरीकी सदर जब अपने ट्विटर हैंडल पे या स्टेट डिपार्टमेंट से ये जारी करेगा कि हाँ जी मेरे मुल्क के अंदर 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट होंगी इंडिया की इस परचेज की वजह से तो दसो अगू की करना है फिर अब आप किधर रह गए हैं अब आप वो जो पाकिस्तानी हमें जो हमारी लीडरशिप मैं तो जानना चाहता हूँ हमारी लीडरशिप के पास क्या प्लान है भाई क्या प्लान है हमें सिर्फ ये बताते रहे हो कि जनाब गाला कटाते रहे हो आवाम को लूँ ठीक है जी साढ़े दुश्मन ने फलान है टमकान है अब देखिए वो कह रहे हैं जी कि हम जो है वो एक जिसे कहते हैं इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट होगी और उसमें जो प्रेजिडेंट बाइडेन है वो को होस्ट करेंगे वाशिंगटन में कुछ समिट वगैरह भी में इंडिया अपना ग्लोबल स्टेचर इम्प्रूव करेगा इंडिया बताएगा कि हम आपके साथ क्या कर सकते हैं इकॉनमी एंड ऑल दैट और साथ में वो सानों भी जो है ना फड़ेगा और हमारे लिए बात करने को कोई नहीं है सो ये मैं समझता हूँ कि ये इंडिया जो है उसने अपनी बेसिकली अपना एक जो एक स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस है वो इस्टेब्लिश कर लिया हुआ है ऑल वॉट इज़ रिक्वायर्ड एंड नीडेड इज इंडिया को किस तरह मैनेज करना है उसके लिए पाकिस्तान को पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास को पहले बैठ के फैसला करना पड़ेगा मुल्क चलाना कैसे है क्या सिटिंग आईएसआई के लोगों ने सियासत करनी है क्या वज़ीर आज़म आईएसआई के लोगों को ये कहेगा मेरा कानून साजी नहीं हो रही मेरे जो इत्तेहादी हैं उनको पकड़ पकड़ के लेके आओ और आईएसआई के लोग जो हैं वो MNAS को कहेंगे तुम्हारी ये हमारे पास फाइल है नहीं तो तेरे खिलाफ केस खोल जाएगा एन जो हो जाएगा ऑन जो हो जाएगा ऐसे मुल्क चलेगा या कि एक मजबूत अगर देखें पार्लियामेंट मजबूत होगी तो सारे अदारे मजबूत होंगे।